तो यार कुछ दिनों पहले हमें पोकेमोन जर्नीज का स्पेशल प्रीव्यू देखने को मिला था, जो कि सही में अब तक का बेस्ट प्रीव्यू भी कह सकते हैं, जिसमें हमें ऐश के खूब सारे पोकेमोन रिटर्न देखने को मिले थे, यहाँ तक कि उसका इन्फर्नेप 4000 स्नॉरलैक्स भी आए थे। तो यार अब बात यहाँ पर ये उठता है कि ये हमें कब देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा और क्या है इसके। तो मैं आपको बता दूँ कि ये प्रीव्यू एक स्पेशल एपिसोड का प्रीव्यू है, मतलब स्पेशल एपिसोड। अब आप कहेंगे स्पेशल एपिसोड मतलब एक एक एपिसोड के हैं ये, मतलब जैसे कि 64, 65, 66 ऐसे ऐसे अलग एपिसोड्स के प्रीव्यू हैं ये। ऐसे नहीं है कि एक ही एपिसोड में हमें ऐश का इन्फर्नेप देखने को मिल जाएगा, हमें ऐश का ग्रेनिंजा देखने को मिल जाएगा। खैर वैसे ग्रेनिंजा तो आया नहीं है और सरीना भी नहीं आई है, पता नहीं पोकेमोन कंपनी क्या करेगी, कब दिखाएगी उन्हें। तो यार अब हम बात करें अपन मेन टॉपिक की, तो मेन टॉपिक ये है कि हमें कब देखने को मिलने वाले हैं। तो यार ये एक हमें स्पेसिफिक एपिसोड में तो है नहीं, हमें खूब सारे एपिसोड्स में अलग अलग सीन देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप देखो तो हमें सीन में दिखाए जाते हैं, खूब सारे सीन में हमें इन्फर्नेप दिखाए जाते हैं, ऐश के प्रोफेसर ओक के लैब में हमें खूब सारे दिखाए जाते हैं, जो कि होते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में उसके 4000 स्नॉरलैक्स के अलावा और खूब सारे पोकेमोन होते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश का गो मतलब ऐश और जो गो हैं वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट म्यू। आप यहाँ पर देख ही सकते होगे, यहाँ पर लिखा हुआ होगा प्रोजेक्ट म्यू। सो अगर हम नेक्स्ट सीन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और लियोन फाइट कर रहे हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ऐश का पिकाचू और लियोन का 4000। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रुकी जो है वो अपना पोकेडेक्स को देख रहा होता है, और वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऐश और गो कैंटोरीजन में होते हैं और पैलेट टाउन में होते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे कि वो प्रोफेसर ओक के सामने खड़े हैं और मतलब हाई कर रहे हैं दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है यहाँ पे फुल ऑन। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ये असाही होती है, ये एक लड़की है, मतलब रेंज पोके रेंजर है ये शायद, पता नहीं वैसे तो अभी नई इंट्रोड्यूस नहीं कराई है शायद से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो एक स्पेस शटल के जैसे में उड़ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो कहीं ऐसे बर्फीली जगह पर जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है मोस्ट अवेटेड सीन, या कह लो अवेटेड सीन मोस्ट तो नहीं, गैरी। जी हाँ, गैरी का भी रिटर्न होने वाला है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ये दोनों गैरी के पास ही खड़े हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेजी आइस। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो होता है सुरुगी वो उन दोनों को उर्शिफू से रेजी आइस को डिफीट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो दिखाया जाता है वो तो सही में दिल दहलाने वाला था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऐश की ब्लैक एंड वाइट वाली साथी आयरस को। वैसे इसका किसी को इंतज़ार नहीं था, अब मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं तो फिर कमेंट में कुछ हो जाएगा। फिर आयरस ड्रैगनाइट के साथ उड़ रही होती है और वो अपनी जिम वाली ड्रेस में होती है, जैसा एग्जैक्ट ब्लैक एंड वाइट के गेम्स में उसको दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कोहारू दिखाई जाती है जो अपने ईवी को गले लगाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मोल्ट्रेस जो कि लड़ाई कर रहा होता है अपने इन्फर्नेप के साथ, अपने ऐश के इन्फर्नेप के साथ। द मोस्ट अवेटेड सीन सेकंड कह लो, वैसे इसको किसी की उम्मीद नहीं थी यार कि मतलब इन्फर्नेप रिटर्न आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि मोल्ट्रेस को रेपट धर देता है, या कह लो चाटा मार देता है, या फिर कह लो मैक पंच मारता है इन्फर्नेप मोल्ट्रेस को, मैक पंच मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है आयरिस का ड्रैगनाइट वर्सेस ऐश का ड्रैकोविश। जी हाँ, मैं तो देखना चाहता हूँ ऐश का ड्रैगनाइट वर्सेस आयरिस का ड्रैगनाइट। आप भी अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है द बेस्ट सीन ऑफ दिस प्रीव्यू, ऐश के सारे पोकेमॉन्स सिवाय ग्रेनिंजा और उसके रिलीज पोकेमॉन को छोड़ के। उसमें 4000 होता है, स्नोलैक्स होता है, क्विलावा होता है, मतलब सारे के सारे पोकेमॉन्स होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर क्रोकोडाइल, हाउलिचा और कॉर्फिश, टोटोडाइल, ओशावॉट सभी होते हैं यार। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इस प्रीव्यू का एंड,
या फिर कह लो पोस्ट क्रेडिट सीन, हमें दिखाया जाता है ऐश भी एक पोके रेंजर की ड्रेस में टाइप में होता है और वो अपने पिकाचू को थंडर बोल्ड या थंडर शॉक करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गो का जो ग्रुकी होता है वो ईवी को लेकर रोड क्रॉस करवाता है, ये फनी सीन था। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश का ड्रैगनाइट वर्सेस आयरिस का ड्रैगनाइट, या कह लो ड्रैगनाइट से वो किसी से लड़ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वही एंडिंग, और फिर लास्ट एंड आखिरी सीन में ये प्रीव्यू खत्म हो जाता है। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो अब से मैं अपडेट्स लाऊंगा भर भर के, और ओरिजिन ऑफ आरसीएस भी जल्दी ही आएगा तो मैं आपसे लाने वाला हूँ पोकेमॉन जर्नीज के अपडेट्स। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।